हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टेलीकास्ट एफ टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। टेलीकास्ट एफ टैबलेट का मुख्य तो उपयोग एलर्जी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लुपिन कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 184 रुपीस में आसानी से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। टेलीकास्ट एफ टैबलेट में फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड IP 120 mg, मोंटिलोकास्ट सोडियम IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद फेक्सोफेनाडिन यह ड्रग बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो सूजन, खुजली और एलर्जी का कारण बनते हैं। मोंटिलोकास्ट यह ड्रग रेस्पिरेटरी ट्रैक और नोज ट्रैक के मार्ग की सूजन को कम करने में मदद करता है। यह अस्थमा एलर्जी के लक्षणों को भी कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसे अस्थमा दमा के कारण सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलने की समस्या, नाक से संबंधित एलर्जी की समस्या, सर्दी की वजह से नाक से पानी बहने की समस्या, सर्दी के कारण नाक बंद होने की समस्या, एलर्जी के लक्षणों को दूर करने में स्किन एलर्जी, स्किन पर खुजली आकर फोड़े फुंसे आने की समस्या दूर करने में, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते। बात करते इस टैबलेट के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, दस्त, सिर दर्द, चक्कर आना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। इस टैबलेट को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यूज न करें। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिला ये टैबलेट अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।